अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ गुफा में बढ़ती गर्मी की वजह से शिवलिंग समय से पहले पिघल गया। ऐसे में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान बहुत अधिक तापमान के कारण पिघलने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। 2008 के बाद ये पहली बार है कि यात्रा के पहले 10 दिनों के भीतर ही बर्फ का शिवलिंग पूरी तरह से गायब हो गया है। इस साल यात्रा 52 दिनों की है और 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को खत्म होगी। इस साल अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 19 अगस्त तक जारी रहेगी। यात्रा के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड 1.51 लाख यात्रियों ने दर्शन किए, लेकिन नए अमरनाथ यात्रियों को निराशा हुई है क्योंकि पवित्र गुफा में बर्फ का शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है। अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि 2008 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने कम समय में, यानी कि 10 दिन ही हुए हैं अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हुए और बर्फ का शिवलिंग जो है वो अब पिघलने लगा है। तो 6 दिन में ही पिघला बाबा बर्फानी का शिवलिंग। अमरनाथ में ज्यादा गर्मी से शिवलिंग जो है वो पिघलने लगा है। संजीव कुमार आई, मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद जिला से, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब बाबा जी अलोप हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। बाकी यात्रियों के लिए, यात्री भाइयों के लिए निवेदन है कि वो आए जल्दी जल्दी अब दर्शन करें। मेरा नाम अजय वाजपेयी है, मैं कानपुर से आया हूँ। सबसे पहले हरहर महादेव भोलेनाथ के दर्शन करके हम लोग आ रहे हैं बाबा अमरनाथ की पवित्र जो है गुफा से, और बड़े अच्छे से सुगमता से दर्शन हो गए हैं। लेकिन आप लोग शीघ्र से शीघ्र आइए, क्योंकि धीरे धीरे बाबा का आकार कम होता जा रहा है, क्योंकि उस तरह से जैसे पहले होता था वैसे नहीं है। अभी धीरे धीरे बाबा कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो अति शीघ्र दर्शन करने आइए ताकि आपको दर्शन का बढ़िया लाभ मिले। हरहर महादेव। नमः शिवाय। बाबा के जितने श्रद्धालु हैं उनको भगवान दर्शन दे, उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग दर्शन प्राप्त करें और भगवान सब पे कृपा की दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव।